चलो यार सबसे पहले तो नमस्कार इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स क्लास टेन आई बोर्ड के लिए सेमेस्टर टू जो टर्म टू का एग्जाम हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप देखने वाले हैं ठीक है पूरा क्वेश्चन पेपर जो था ये था फोर्टी मार्क का और जिसके लिए आपको टाइम मिला था वन एंड हाफ आवर ठीक है सेक्शन ए से अब स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहते हैं कोई भी क्वेश्चन और में नहीं है सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन एम पैटर्न में है ओके देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में है द फ्री वाइब्रेशन आर वाइब्रेशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पीरियोडिक फोर्स वाइब्रेशन विद लार्जर एम्पलीट्यूड एंड फिर है आपका वाइब्रेशन वेन द फ्रीकुवेंसी कंटिन्यूसली डिक्रीज एंड द वाइब्रेशन विद द कॉन्सटेंट फ्रिकुंसी एंड कॉन्सटेंट एम्पलीट्यूड तो जो राइट right आंसर है पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर वन का वो है आपका द वाइब्रेशन विद द कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड रीजन बिकॉज जो फ्री वाइब्रेशन है उनकी फ्रिक्वेंसी और मैग्नीट्यूड दोनों ही फिक्स होती है ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू के अंदर में आपको बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं और ये ग्राफ में कुछ क्वेश्चन पूछा है द डायग्राम बिलो द शोन फॉर द साउंड वेव विच साउंड इज़ द हैविंग highest pitch? अब एक बात बता दो मैं आपको जिस साउंड का सबसे ज़्यादा frequency होता है उसकी भी pitch सबसे ज़्यादा होती है और frequency आपको पता कैसे करनी है तो वेव्स के अंदर में जो गैप होता है जो दो वेव्स के बीच में गैप है जितना ज़्यादा मिनिमम है उतनी ज़्यादा pitch ज़्यादा है ठीक है तो आपको सारे ग्राफ में सबसे ज़्यादा कम pitch वाला जो ग्राफ दिख रहा है जो सबसे कम डिफरेंस वाला ग्राफ दिख रहा है दो वेव वे के बीच में वो है आपका ऑप्शन नंबर बी डेट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा नौ दो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका द ग्राफ फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस वी अगेंस्ट द करंट आई ओमिक रजिस्टर इज ऑप्शन में है कविंग पासिंग थ्रू द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द सर्कल सेंटर एट द ओरिजिन ठीक है तो जो राइट right आंसर है पर्टिकुलर क्वेश्चन का यह है आपका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर सी के राइट right होने का जो रीज़न है वो है करंट और वोल्टेज करंट और वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ एक दूसरे के परपोर्शनल होते हैं जैसे आप करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा इसकी वजह से जो इसका ग्राफ मिलता है वो हमें स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन जैसा ग्राफ मिलता है ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर में है कि द मेन स्विच इन द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बाउंड प्रेजेंट इन तो जो आपका पर्टिकुलर मेन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन स्विच है उसके अंदर में जो स्विच है वो कौन से वायर के ऊपर में लगा होता है ये आपको बताना है ऑप्शन ए है लाइव वायर बी न्यूट्रल वायर सी है पूछा है कि एज वेल एज लाइव एज वेल एज न्यूट्रल ऑप्शन नंबर डी अर्थ वायर तो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है मेन स्विच का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी सी ऑप्शन होने का रीजन है यहाँ पे जो मेन स्विच है इसके अंदर में लाइव और न्यूट्रल दोनों पर ही स्विच वायर लगा होता है ठीक है बाकी जो नॉर्मल केसेस है नॉर्मल अप्लायंसेस है उसमें सिर्फ लाइव वायर के ऊपर ही स्विच लगता है बट यहाँ पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से लाइव वायर एज वेल एज न्यूट्रल वायर आएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव द कंडक्टर ए बी इज केप्ड अलॉन्ग विद द साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ अब द मैग्नेटिक नीडल एस इन बिलो वेन की इज़ क्लोज्ड की क्लोज यहाँ पे बोल दिया इसका मतलब जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो हो रहा है अब सर्किट में कलर करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और इसकी वजह से जो नीडल में डिफ्लेक्शन होगा वो आपको देखने को मिलेगा तो क्वेश्चन में हमें राइट right ऑप्शन को चूज़ करना है ऑप्शन नंबर ए नीडल विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन ऑप्शन बी नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट ऑप्शन नंबर सी नीडल विल टर्न इन द अपोजि डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ ऑप्शन नंबर डी नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी द नीडल विल डिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट द वेस्ट अकॉर्डिंग नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है द कॉइल वाउंड अराउंड द पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली वेन जो कॉयल है जो सॉफ्ट आयरन के चारों तरफ लगा हुआ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ कब परफॉर्म करेगा वो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए सर्किट इज ओपन बी मैग्नेटिक कंपास इज प्रेजेंट इन द वेनिटी ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द सर्किट ऑप्शन नंबर डी करंट फ्लोज इन द सर्किट राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जब तक आपका करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट के अंदर में तब तक जो आपका सोलिन uh, है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगा बिकॉज उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगी ठीक है नाउ द क्वेश्चन नंबर सेवन इफ द वॉटर एब्जॉर्ब फोर थाउजेंड ज़ूल हीट है ना टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वन किलोग्राम वाटर थ्रू द वन डिग्री सेल्सियस एक वाटर जो है फोर थाउजेंड हीट एब्जॉर्ब करता है पानी का टेम्परेचर सिर्फ वन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए ऐसे कंडीशन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वाटर की वो कितनी होगी वो आपको बताना है अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको तभी आएगा जब आपको फॉर्मूला पता हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो कि होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल सी इज इक्वल टू हीट अपॉन मास ऑफ़ द पर्टिकुलर सब्सटेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर होता है तो आपको लिख देना है बस हीट कितना दीवन है फोर थाउजेंड जोल मास यहाँ पे किलोग्राम में दिया हुआ है तो इसके लिए ग्राम में कन्वर्ट किया मैंने और मल्टीप्लाई किया उसको वन डिग्री सेल्सियस से और जैसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे आपको थाउजेंड से फोर थाउजेंड को कट करोगे फोर जूल आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में फोर जूल पर ग्राम पर डिग्री से, सेंटीग्रेड है इसकी वजह से ये करेक्ट ऑप्शन होगा नाउ द क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट के अंदर में है वाटर इज यूज इन कार रेडिएटर्स बिकॉज पानी का इस्तेमाल हम कार रेडिएटर्स में क्यों करते हैं इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इट कंडक्ट्स हीट फास्टर देन कंपेयर टू द सबस्टैंड कूल द इंजन क्विकली ऑप्शन नंबर सी इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वेरी लो ऑप्शन नंबर डी इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वेरी हाई सो इट कैन कूल द इंजन विदाउट ग्रेटर इंक्रीज इन इट्स ओन टेम्परेचर तो जो सही ऑप्शन है पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर एट का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो वाटर है उसका पर्टिकुलर वाटर का हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी और इसकी वजह से वो इंजन को ठंडा कर देता है और खुद ज़्यादा गर्म भी नहीं होता तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादा टेम्परेचर राइज ना हो तो इसके लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं कार रेडिएटर्स में और क्वेश्चन नंबर नाइन द हैविएस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन इच हैविएस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है एक्स रेडिएशन अल्फा रेडिएशन गामा रेडिएशन एंड बीटा रेडिएशन क्वेश्चन नंबर नाइन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी अल्फा रेडिएशन इज द हैविएस्ट रेडिएशन नाउ द क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में पूछा हुआ है कि टू स्टडी द एज ऑफ मटेरियल द दर्कियोलॉजिस्ट सिग्निफिकेंस वी स्टडी द रेट ऑफ डिके ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ विच एलिमेंट कौन से एलिमेंट के आइसोटॉप के डिके से वो पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर मटेरियल कितना पुराना है ठीक है ऑप्शन में है यूरेनियम कोबाल्ट कार्बन एंड क्लोरीन ठीक है तो जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही जवाब है वो है आपका कार्बन uh, और इसमें भी कार्बन फोर्टीनस जो है उस वो इस्तेमाल होता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं जिससे हम पर्टिकुलर जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं किसी भी फॉसिल फ्यूल का या फिर फॉसिल सब्सटेंसेस का एज पता लगाते हैं कि वो कितना पुराना है ठीक है पास में आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन दिख रहा होगा तो आपको केमिस्ट्री का पेपर अगर वेरीफाई करना है या फिर थोड़ी एक्सप्लेनेशन जाननी है तो आप देख सकते हैं बायोलॉजी का पेपर अभी हुआ नहीं है तो जब होगा तो आप सी बोर्ड के लिए उसमें आपको सारे पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे ठीक है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टेडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो